नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित सरवन कुमार गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता कस्बा माहुल तहसील फूलपुर के निवासी ने बताया कि हमने श्रीमान उप जिलाधिकारी तहसील फूलपुर को गाटा संख्या 334 रकबा 0.4570 हेक्टेयर का सीमांकन कराने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आदेश हो गया था, परंतु कस्बा माहुल के दबंग व्यक्ति जो अनुसूचित जाति के हैं हमारे गाटा संख्या में मछली पालन हेतु पोखरा खुदवा लिए हैं, जिसकी वजह से बार बार धमकी देते हैं कि यदि जमीन की पैमाइश होगी तो हम लोग अनुसूचित जाति का मुकदमा करके जेल भिजवा देंगे। इसी नजायज प्रभाव के कारण क्षेत्रीय लेखपाल व कानगो पैमाइश कर सीमांकन नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशा में संबंधित कर्मचारियों को सीमांकन करने हेतु आदेशित किया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है। पीड़ित ने कहा कि उपरोक्त मामले में तथ्यों के आधार पर पैमाइश कराकर सीमांकन करने का आदेश देने की कृपा करें ताकि हमें न्याय मिल सके। हमारा नाम सरवन कुमार गुप्ता है। ग्राम माहुल तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़ का। क्या मामला आज जिलाधिकारी? मामला ये है कि हम एक जमीन लिए हैं और उसको पत्थर नसब के लिए दिए थे, पत्थर नसब का आदेश हो गया है, उसके बाद लेखपाल और कानून को नापने से मना कर रहे हैं। फिर हमने एप्लीकेशन SDM को दिया, SDM ने भी जो है आदेश कर दिया, लेकिन कानून को और लेखपाल डेली डेट देते रहते और नापने नहीं जाते हैं। और जिसका जमीन मतलब जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो कहता है कि भाई अगर तुम नपवाओगे तो हम तुम्हें SC ST के तहत जेल भेज देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ और हमको हमारी ज़मीन दिलवाई जाए। जिलाधिकारी से मिले, आप क्या फसल मिला? जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने कहा ठीक है आपको न्याय मिलेगा।